आज हम बात कर रहे हैं एक बैंक जिसको मोर देन 26 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जी हाँ, 26 सालों से ज़्यादा इसको काम करते हुए हो गया है। एंड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ये इंडिया की दिग्गज कंपनी है। SBI से भी बड़ी कंपनी है अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो। और अगर नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये सेकंड रैंक पे आता है आफ्टर SBI। आज हम कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बताऊंगा, फाइनेंशियल हम डिस्कस करेंगे, जो बैंकिंग के मेन रेशियोज होते हैं जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेना चाहिए कि हमारे पोर्टफोलियो में शेयर होना चाहिए, जैसे NIM कितना है, ROA कितना है, एडवांस ग्रोथ कितना है, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कितना है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ अपने वीडियो में A to Z चीज़ें जिसकी वजह से 10 से 12 मिनट का वीडियो जरूर हो सकता है, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको इसके बारे में पता रहेगा, डिसीजन आपके सामने रहेगा कि मुझे ये शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है। और जैसा आपने थंबनेल में देखा है, मैंने इसको अभी शामिल किया है अपने स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में दोबारा से, और जो मेरा यहाँ पे बाइंग है वो लगभग 1435-40 के आसपास है। पिछले 2-3 दिनों में लगभग इसी लेवल पे बैंक का प्राइस भी चल रहा है। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो, पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लाइक करने के लिए हम क्यों कहते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 सेकंड में फिर बता देता हूँ। जितना आप लोग इसे लाइक करेंगे, YouTube इस वीडियो को उतना ही ज़्यादा प्रमोट करेगा, उतने ही ज़्यादा नए व्यूअर्स तक वो उसको दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि इससे हमें कुछ यूट्यूबर्स को प्रॉफिट होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर मैं करंट प्राइस की बात करता हूँ, हो सकता है आपको थोड़ी यहाँ पे नॉइज भी आए तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर करना, यहाँ पे कुछ चिल्ड्रंस खेल रहे हैं, हालांकि मैं टेरेस पे अपने वीडियो बना रहा हूँ अभी। अगर करंट प्राइस की बात करते हैं, 1433 रुपये का करंट प्राइस है, और 52 वीक लो की बात करते हैं, 826 का लो है, एंड 1 ईयर का हाई है 1650 रुपये। तो अपने टॉप से आज के डेट में हमें ये लगभग 220 रुपये के डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी 13% का इसमें डिस्काउंट है अगर हम बात करते हैं टॉप से। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इसको 1500-1600 के लेवल पे ख़रीदा हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको अभी नुकसान हो रहा है 5-10-15-12% का, तो आगे भी नुकसान होगा क्योंकि अपने टॉप से गिर चुका है। और मैंने आपको बता रखा है किसी दिग्गज कंपनी में जब 10% का डिस्काउंट होता है तब वो मुझे शेयर अच्छा लगता है, और 1440 के आसपास मैंने इसमें बाइंग करी है। और जो भी मेरे स्विंग ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के मेंबर हैं उन सभी को मैंने अपना नोटिफिकेशन भी दे दिया था। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करके स्विंग ट्रेडिंग सब्सक्रिप्शन देख सकते हैं, उसका छोटा सा प्राइस हमने रखा है। एंड अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप अपस्टॉक्स के थ्रू यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट किसी का भी फैमिली में या अपना खुलवाते हैं तो। अब अगर बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो लगभग 8 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का यहाँ पे। अगर हम SBI या कोटक वगैरह की बात करते हैं तो ओब्वियसली उसका लो है HDFC के मुकाबले। कासा रेशियो उसका देखते हैं, 42% है कासा रेशियो, यानी अगर कंपनी बैंक के पास यहाँ पे 100 रुपये है तो 100 रुपये में से 42 रुपये तो उनके पास कासा के फॉर्म में रहता है, जो कि बिल्कुल चीप सोर्स है इनकम का, चीप सोर्स है मनी का। वहाँ पे आपको पता है HDFC बैंक 3-3.5% आज के रेट में, आई थिंक इससे भी कम दे रहा है 3%, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं है HDFC में इसलिए मुझे नहीं पता, आई थिंक 3 और 3.5 के बीच में ही ये कासा में अपना इंटरेस्ट दे रहा है, और माइट बी लेस देन 3। पी रेशियो देखते हैं तो 26 का है, काफ़ी अट्रैक्टिव पी रेशियो है यहाँ पे। और अगर यहाँ पे इंडस्ट्री का पी देखेंगे लगभग 30+ का वो इंडस्ट्री का पी है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी 4x पे है, बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 354 है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी लो है 26% के, हम आगे डिस्कस करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। पहले मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ एक बार। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने थोड़े शेयर सेल करे हैं, आपको पता होगा मिस्टर आदित्य पुरी जो कि CEO थे बैंक के, उन्होंने अभी रिटायरमेंट ली है कुछ टाइम पहले ही, एंड जुलाई अक्टूबर के आसपास उन्होंने, मतलब पिछले 2020 लास्ट तक उन्होंने लगभग 900 करोड़ के अपने शेयर्स बेचे हैं। शेयर्स उनके नहीं, मतलब जो उनको ESOP में मिले हुए थे वो उन्होंने उसमें सेलिंग करी है, मोर देन 90-95% उन्होंने सेलिंग करी है। सेलिंग करने का कोई नेगेटिव रीज़न नहीं है, मार्केट में काफ़ी न्यूज चल रही थी कि अब लगता है और ये ग्रोथ नहीं करेगा शेयर मार्केट, मतलब प्राइस अब नहीं बढ़ेगा इसलिए वो सेल कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने क्लैरिटी दी क्योंकि उनकी एज अभी 70+ है, आपको अगर पता हो तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 70+ हो वो इक्विटी में इतना ह्यूज एक्सपोजर नहीं रखेगा, तो ये सेम रीज़न उन्होंने बताया है जो कि बिल्कुल लॉजिकल रीज़न है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करते हैं, हर एक क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है, हालांकि यहाँ पे मार्च में ज़रूर इंक्रीज हुआ था,
हो सकता है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने यहाँ पे शॉपिंग करी हो, जब मार्च में हमने 24-25 मार्च के आसपास यहाँ पे सर्किट देखने को हमें मिला था निफ्टी में। प्रमोटर होल्डिंग भी हम देख लेते हैं, आप देख सकते हैं लगभग आपको कॉन्स्टेंट दिखेगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा जो स्टेक है वो हर एक क्वार्टर पे डिक्रीज हो रहा है। 26.21 देन 26.18 देन 14 देन 10 देन 0.02 देन 26%, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे लो है 26% है, तो ऐसी बात नहीं है कि 50, 60, 70 नहीं है तो हमारा कंफर्ट नहीं है। काफ़ी एक दिग्गज बैंक है, इस्टेब्लिश्ड बैंक है, और CEO हालांकि इसके चेंज हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता इनके वर्किंग स्टाइल में किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। जैसा कि मैनेजमेंट इनका जो वर्किंग स्टाइल है वो इनका फिक्स है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे FII की पोजीशन देखते हैं और रिटेल की, FII ने हालांकि यहाँ पे पिछले एक साल में स्टेक बढ़ाया है थोड़ा, 37.64 से 39.35। रिटेल की बात करते हैं तो रिटेल ने थोड़ा स्टेक यहाँ पे डिक्रीज किया है 15.37 से 13.44। जब रिटेल यहाँ पे किसी भी कंपनी में किसी भी शेयर में स्टेक डिक्रीज करता है तो ये मुझे कंफर्ट दिखाता है। आप येस बैंक वगैरह देखोगे, फ्यूचर रिटेल देखोगे, और भी कोई ऐसी कंपनी वोडाफोन जो मतलब ऊपर से 60, 70, 80, 90% टूट चुकी है, तो वहाँ पे हमेशा आपको रिटेल का पोर्शन यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि डिस्काउंट देख के रिटेल वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं रिटेल इन्वेस्टर। लेकिन जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे डिक्रीज होता रहे तो वहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर ही नहीं सकते ऐसे शेयर को जिसमें 50 या 100% का रिटर्न आता हो। केवल 100 में से 2, 4, 5% ही लोग होते हैं जिनके पोर्टफोलियो में 100, 200, 500% का प्रॉफिट दिखता रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद अब मैं आपसे आगे रेशियोज़ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, जो इसके इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं। वैल्यूएशन चार्ट की अगर हम बात करते हैं, 3 साल का अगर हम वैल्यूएशन देखते हैं, आप देख सकते हैं कोविड से पहले इसका वैल्यूएशन 30-32 के आसपास हुआ करता था, जो कि अभी 26 के अराउंड देखने को मिल रहा है हमें। और कोविड में जब यहाँ पे क्रैश देखा था मार्केट में हमने, उस टाइम तो 17 के आसपास चल रहा था, आप देख सकते हैं। तो अपने हाई से अभी अच्छे खासे डिस्काउंट में है, जो पहले पी वैल्यूएशन 32 का हुआ करता था अभी वो 26 का है, यानी यहाँ पे भी हमें लगभग 15-20% का डिस्काउंट मिल रहा है वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। उसके बाद अगर मार्केट कैप देखें तो ICICI का 4 लाख करोड़ है, कोटक का 3.5, SBI का भी 3.5 के आसपास ही है, एक्सिस बैंक का 2 लाख करोड़, तो दिग्गज कंपनी है अपने इंडस्ट्री की। प्राइस टू बुक वैल्यू भी कोटक महिंद्रा से लो है, हालांकि ICICI बैंक का उससे भी लो है 3 का। पी रेशियो अगर देखा जाए तो अपने पीयर्स में सबसे सस्ता है एक्सेप्ट बंधन बैंक। अगर दिग्गज बैंक की बात करें तो ICICI कोटक सबका ही पी रेशियो 31 का, ICICI 54 है, कोटक एक्सिस 83। इसके बाद अगर ROE देखते हैं तो ROE भी सबसे मैक्सिमम है एक्सेप्ट बंधन बैंक, 16 का ROE, ICICI का 7, कोटक का 13 एंड एक्सिस का 2। रिटर्न ऑन असेट देखते हैं ROE, ROE का मतलब होता है जो भी कंपनी के पास असेट है वो उस असेट को कितने टाइम्स यूज कर पा रही है, ये मिनिमम 1 से 1.5 होना चाहिए, 1 के बाद ही बैंक को यहाँ पे बैंकिंग एक्टिविटी चलाने का प्रॉफिट मिलता है। तो लगभग ये 2 का है, तो अपने असेट को लगभग 2 मल्टीपल से यूज कर पा रही है। ICICI बैंक का less than 1 है, कोटक का 1.8 है, काफ़ी अच्छा है आफ्टर HDFC बैंक। एक्सिस बैंक का काफ़ी लो है अभी, इंडसइंड का है 1.5। इसके बाद अगर नेट NPA देखते हैं तो अपने पीयर्स में आप देख सकते हैं मिनिमम है यहाँ पे नेट NPA, अगर हम बंधन बैंक को भी इंक्लूड करते हैं तो 0.36। नेट NPA का मतलब है जो भी कंपनी ने बैंक ने लोन बांटे हैं मार्केट में, सपोज 100 रुपये का लोन बांटा हुआ है तो उसमें से कितना रुपये बैंक का नेट NPA है, यानी जो नहीं मिल रहा है, जो नहीं आएगा, तो केवल 36 पैसा है 100 रुपये में से जो कि इनका नेट NPA है, यानी 99 रुपये एंड 63 पैसा इनको वापस मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है नेट NPA। ICICI का वही नेट NPA 1.5 है, यानी 100 रुपये में से इनको 1.5 रुपये वापस नहीं मिल रहे हैं। कोटक बैंक को 70 पैसे, एक्सिस का 1.5 रुपये एंड इंडसइंड एंड बंधन का 60 और 90 पैसे, आप देख सकते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये भी मैक्सिमम है एक्सेप्ट बंधन बैंक, क्योंकि बंधन बैंक का उतना बड़ा साइज नहीं है जैसे HDFC का है, तो इसलिए कोई कोई सा रेशियो यहाँ पे आपको बंधन बैंक का बेटर दिखेगा HDFC से। अब इसके बाद ROA हम डिस्कस कर चुके हैं, नेट NPA भी डिस्कस कर चुके हैं। नेट NPA अगर आप देखते हो तो ये एक साल में 0.36 है, यानी 35-38 के बीच में रहता है नेट NPA। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इसका मतलब है कि जो भी कंपनी बैंक बोरोइंग कर रही है और उसको जब आगे लेंड कर रही है तो बीच में मार्जिन कितना है, बीच में प्रॉफिट इसका कितना आ रहा है बैंक का। तो उससे पहले हम कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी देख लेते हैं, ये है 4.5%।
यानी बैंक के पास जो भी पैसा है लगभग उसकी कॉस्टिंग है 4.5%। 100 रुपये पे 4.5 रुपये का ब्याज इनको देना पड़ रहा है, चाहे वो बॉन्ड के फॉर्म में हो, डिबेंचर्स के फॉर्म में हो, अगर कंपनी ने कुछ इशू करे हैं कासा के फॉर्म में हो, एफडी के फॉर्म में हो, जो भी डिपॉजिट्स हैं इनके पास। और अगर एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो लगभग 4% का है, यानी 4.5% पे 4.5 पे पैसा उठा के लगभग उसको 8.5 पे आगे लैंड करते हैं। एक मैं एवरेज की बात करूँ तो 4% बीच का मार्जिन है, दैट इज़ कॉल्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो ये भी आप देखोगे तो 5 ईयर्स का 3.95 है, काफ़ी गुड है यहाँ पे। इसके बाद एडवांस ग्रोथ की बात करें, इट मींस कि कितने परसेंटेज से उसका लोन बुक जो है वो ग्रोथ हो रहा है, तो वो 20-21% है, काफ़ी ये पॉजिटिव है इस बैंक की ग्रोथ के लिए। अब हम इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेते हैं। पिछले 2 क्वार्टर्स में कोई खास यहाँ पे रेवेन्यू नहीं है, लगभग 30,000 करोड़, दोनों सेम रेवेन्यू है 30,000 करोड़। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 7500 करोड़ से इंक्रीज होकर 8700 करोड़ है। और अगर नेट NPM देखते हैं 2 क्वार्टर का तो 0.17 से लेके 0.09 है, जो पहले आई थिंक 35-40 के आसपास होगा, देख सकते हैं आप। ये हैं दिसंबर 19 में लगभग 0.48, देन डिक्रीज होके 0.36, देन 0.33, देन 0.17, देन दिसंबर 2020 में 0.09। नेट प्रॉफिट मार्जिन की भी हम बात कर लेते हैं, पहले 25% का मार्जिन था और अब लगभग 29% का मार्जिन है, 25-29% के बीच का ही मार्जिन है इनका। इंटरेस्ट अर्नड हम अगर एनुअल की कंपैरिजन करते हैं तो हर एक साल मतलब 10-15% से ग्रो होता है, 60,000 देन 70,000 देन 80,000 देन लगभग 1 लाख देन 115, तो हर एक साल आप देख सकते हैं यहाँ पे 10-15% का जंप है। नेट प्रॉफिट भी अगर देखते हैं तो दिसंबर 15 में था लगभग 12,300 करोड़, जो कि इंक्रीज होकर 14,500, 17,500, देन 21,000, देन 26,000, तो इसमें भी आपको 15-20% कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलेगी नेट प्रॉफिट में भी। एक साल में 26,000 करोड़ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, और 25,000 से ऊपर जाने के बाद तो वो एक लार्ज कैप कंपनी मानी जाती है। बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं, बैलेंस शीट भी काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे लगता है। इसमें मैं एक कंपैरिजन आपको बता देता हूँ एक मिनट में। अगर हम 4 साल पहले कंपनी का साइज़ देखते हैं, 7.5 लाख करोड़ का यहाँ पे साइज़ है बैलेंस शीट का, उसमें लगभग 10% रिजर्व है कंपनी के पास और लगभग 70% कंपनी के पास डिपॉजिट है, और बोरोइंग्स है केवल 85,000 करोड़, यानी 12% के आसपास की बोरोइंग्स है। और 4 साल बाद जब ये डबल हो गया बैलेंस शीट का साइज़ 7.4 से 15.3, आप देख सकते हैं डबल से भी थोड़ा ज़्यादा, उस टाइम भी हम देखते हैं बोरोविंग 85,000 से 144, यानी डबल नहीं हुआ है, अगर डबल होता तो ये 170 होता। हालांकि 25,000 करोड़ का ही उसमें डिफरेंस है, लेकिन बैलेंस शीट का साइज़ डबल है, रिजर्व भी अगर आप देखेंगे तो रिजर्व का साइज़ भी मोर देन डबल है, डिपॉजिट्स भी डबल हुए हैं, लेकिन बोरोविंग्स यानी कर्जा डबल नहीं हुआ है, डबल से कम है। कहने का मतलब है जितनी कंपनी ग्रोथ कर रही है तो कर्जा कंपनी का कम होता जा रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट का साइज़ यहाँ डबल हो गया, रिजर्व्स यहाँ पे बढ़ गए, डिपॉजिट्स बढ़ गए, बोरोविंग्स लेकिन लिमिटेड ही बढ़ा है लगभग 70% से। तो ये मुझे काफ़ी इसमें अट्रैक्टिव पॉइंट लगा था, वो मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके बाद अगर मैं मैनेजमेंट सैलरी की बात करूँ तो मैनेजमेंट ने केवल फाइनेंशियल ईयर 1920 में 30,000 करोड़ की ही सैलरी विड्रॉ करी है। और अगर हम इसके कैपिंग की बात करते हैं तो लगभग इसका कैपिंग है 1500 करोड़ के आसपास, उसमें से केवल 30 करोड़ की ही सैलरी है जो मैनेजमेंट ने विड्रॉ करी है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपने मेरा पूरा पोर्टफोलियो नहीं देखा हो तो ऊपर माई बटन पे उसका लिंक दे देता हूँ, आप जहाँ पे मेरा पूरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं, मैंने अपना लाइव पोर्टफोलियो दिखाया है कम्प्लीट वहाँ पे। और अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है।